हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बॉक्स ऑफिस। बात करने वाले हैं कैप्टन मिलर इस मूवी का 18 डेज सलेक्शन को लेकर, आलन इस मूवी का 18 डेज सलेक्शन को लेकर, बात करेंगे हनुमान इस मूवी का 18 डेज सलेक्शन को लेकर। जानते हैं तेजस सज्जा सर के हनुमान को बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू मिला है और तेजस सज्जा सर बैक टू बैक 4 ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं। गुंटूर करम का केरा का कलेक्शन को लेकर भी बात करेंगे। आप लोग जानते हैं सारे फिल्म अच्छे कलेक्शन इंडियन मार्केट में कर रहा है। बात करेंगे इन पांचवें कलेक्शन को लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अगर चैनल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना टू बॉक्स ऑफिस चैनल का। आप लोग जानते हैं टू बॉक्स ऑफिस चैनल हमेशा से ट्राई करते हैं जी भाई जी अपडेट देने के लिए, सारे मूवीज का लेटेस्ट अपडेट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप लोग के पास पहुंचाने के लिए। पर बात करें कैप्टन मिलर को लेकर, इसमें का बजट है 60 करोड़ रुपीज। लीड रोल में आप लोग जानते हैं सुपरस्टार धनुष सर है, शिवराज कुमार सर सब ने 18 डेज कंप्लीट किया है। कैप्टन मिलर को पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू पूरे वर्ल्ड मार्केट में मिला है। फेमला जॉन्स के सपोर्ट के वजह से कैप्टन मिलर ऑलरेडी एक क्लीन हिट है और मूवी ने 100 करोड़ प्लस बिजनेस वर्ल्ड मार्केट में किया है। आप लोग जानते हैं धनुष सर के इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्शन है कि मूवी लाइफ टाइम में अच्छी कलेक्शन करे। अपने 18 डेज में तमिलनाडु सेशन के 50 लैक्स और मार्केट सेशन के 10 लैक्स वाले मार्केट सेशन के 1.20 लैक्स कर ले आप लोग भी कमेंट बता सकते हैं सुपरस्टार धनुष सर के ये फिल्म आप लोग कैसा लगा। अब बात करें आयलन को लेकर, इसमें का बजट है 30 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है शिवा कार्तिकेयन, सरेशर ने 18 डेज कंप्लीट किया है। आयलन पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू के साथ रिलीज हुआ है। शिवा कार्तिकेयन सर जो आप लोग जानते हैं तमिल इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है, उनके आयलन को बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू मिला है। मूवी लाइफ टाइम में एक अच्छी कलेक्शन वर्ल्ड मार्केट में कर पाएगा। अगर फैमिली जन सपोर्ट करे आयलन लाइफ टाइम में कम से कम 150 से 175 करोड़ प्लस बिजनेस कर पाएगा। अपने 18 डेज में तमिलनाडु सेशन के 1.10 लैक्स और मार्केट सेशन के 20 लैक्स वाला मार्केट सेशन के 2.10 लैक्स तो जो इसे घोषणा 109 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक आयलन नहीं देखा, देख लेना। शिवा कार्तिकेयन सर जो तमिल इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है, उनके आयलन कैसा लगा? हमारा एक्सपेक्टेशन है आयलन लाइफ टाइम में 175 करोड़ प्लस बिजनेस कर पाएगा। आप लोग भी कमेंट बता सकते हैं शिवा कार्तिकेयन सर के ये फिल्म लाइफ टाइम में कितना पैसा कमा पाएगा। अब बात करें हनुमान को लेकर, इसमें का बजट है 55 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है तेजस सज्जा सर, सबने 18 डेज कंप्लीट किया है। तेजस सज्जा सर के हनुमान को पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू पूरे वर्ल्ड मार्केट में मिला है। आप लोग जानते हैं फैमिली जॉन्स इस मूवी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। मूवी ऑलरेडी 250 करोड़ प्लस बिजनेस कर चुका है। तेजस सज्जा सर के ये बैक टू बैक 4 ब्लॉकबस्टर। आप लोग जानते हैं उनके जॉम्बी रेड्डी कितना बड़ा बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हुआ था और दर्शक जॉम्बी रेड्डी को कितना सपोर्ट भी किया था। हनुमान ने अपने 18 डेज में आंध्र प्रदेश श्रृंगार सेशन के 2.10 लैक्स और मार्केट सेशन के 50 लैक्स वॉलेट मार्केट सेशन के 4.60 लैक्स और 254 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक हनुमान नहीं देखा, देख लेना। तेजस सज्जा सर के हनुमान कैसा लगा? मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है? हमारा एक्सपेक्टेशन तो है कि हनुमान लाइफ टाइम में 350 करोड़ प्लस बिजनेस कर ले। तेजस सज्जा सर जो बहुत ही यंग है और उनके एक्टिंग लेवल या उनके फिल्म जितना चल रहा है, वो आने वाले दिनों में इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार भी बन सकता है। अब बात करें गुंटूर करम को लेकर, इसमें का बजट 150 करोड़ रुपीज। रिलोड में है सुपरस्टार महेश बाबू सर, सबने 18 डेज कंप्लीट किया है। सुपरस्टार महेश बाबू सर के गुंटूर करम को पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू मिला है। फेमला जॉन्स अगर सपोर्ट करे गुंटूर करम लाइफ टाइम में 280 करोड़ प्लस बिजनेस करेगा। मिक्स रिव्यू से इस मूवी को अच्छे रिव्यू नहीं मिला, मूवी का कलेक्शन भी कम था। आप लोग जानते हैं सुपरस्टार महेश बाबू सर जो तेलुगु इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार है, जिनके स्टारडम तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा है, उनके गुंटूर करम का थोड़ा सा भी पॉजिटिव रिव्यू मिलता, मूवी बॉक्स ऑफिस में आसानी से 400 से 500 करोड़ प्लस बिजनेस कर लेता। गुंजुर करम अपने 18 डेज में आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्टेशन के 20 लैक्स और मार्केट स्टेशन के 5 लैक्स वाला मार्केट स्टेशन के 30 लैक्स टोटल से घोषण है 263 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक गुंजुर करम नहीं देखा, देख लेना। सुपरस्टार महेश बाबू सर के ये फिल्म कैसा लगा? मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है? हमारा एक्सपेक्टेशन है कि गुंटूर करम लाइफ टाइम में एक मेगा ब्लॉकबस्टर बन जाए। आप लोग भी कमेंट बता सकते हैं सुपरस्टार महेश बाबू सर के ये फिल्म लाइफ टाइम में कितना पैसा कमा पाएगा। अब बात करें कचेरा को लेकर, इसमें का बजट है 40 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है दर्शन 32 डेज कंप्लीट का है। कनाडा का इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है चैलेंजिंग दर्शन सर, उनके कचेरा जब रिलीज हुआ
पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू के साथ रिलीज और मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही बढ़िया है। फिल्म लेजेंड्स अगर सपोर्ट करे गुंटूर करम जैसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर भी कटेरा बन सकता है। आप लोग जानते हैं दर्शन सर जो कर्नाटक इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है, कर्नाटक के क्रेजी फैन बेस, कर्नाटक के फिल्म लेजेंड्स उनके लिए पागल है। उनके कटेरा अपने थर्टी जूडियस में कर्नाटक स्टेशन के 50 लैक्स, उस मार्केट स्टेशन के 10 लैक्स, वाला मार्केट स्टेशन के 60 लैक्स, तो दोस्तों क्वेश्चन है 154 करोड़ रुपीज़। आपने अभी तक कटेरा नहीं देखा, देख लेना। चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर जिनको डी बॉस बॉक्स ऑफिस सुल्तान के नाम से बुलाया जाता है, उनके कटेरा कैसा लगा? गुंटूर करम, हनुमान, आयलन, कैप्टन मिलर, इन सारे मूवीज में सबसे अच्छी सबसे बढ़िया इंडियन फिल्म कौन सा है, कौन बता सकते हैं? धन्यवाद।